हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त के सभी शिफ्ट हैं जो कि खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट के दोस्तों क्वेश्चन की वीडियो आपको मैंने ऑलरेडी बना के दे दिया, तो दोस्तों उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अदर मतलब कैंडिडेट ने हमको जो क्वेश्चन बताए थे, हम दोस्तों सेंटर पर रह करके हमने कैंडिडेट से क्वेश्चन जाने, एंड क्वेश्चन जानने के बाद दोस्तों आपके हमने उन क्वेश्चंस की वीडियोस लेकर आए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं कि जो कि कैंडिडेट से पूछे गए थे एग्जाम में, पूछे गए एसएससी एमटीएस एग्जाम में, यहाँ पर पूछे गए आज के दिन 5 अगस्त के दिन। तो दोस्तों उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट में आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके जो आपकी अगर आपने एग्जाम दिए तो आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पर जरूर बता दीजिएगा, ताकि जो जो भी और कैंडिडेट हैं उनको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और साथ ही में दोस्तों अगर आपकी अभी तक एग्जाम नहीं हुई है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनमें से हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, या फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के किस बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पर क्लिक करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही में आने वाले इस घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उसके साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गिफ्ट ऑफ द नील किस देश को कहते हैं। तो दोस्तों गिफ्ट ऑफ द नील कहा जाता है मिस्र देश को, यहाँ पर गिफ्ट ऑफ द नील कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सा देश 2012 के ओलंपिक में पुरुषों की फुटबॉल स्वर्ण पदक विजेता रहा, फुटबॉल मैच में दोस्तों स्वर्ण पदक विजेता रहा वो 2012 में, तो इसका नाम था दोस्तों मैक्सिको। मैक्सिको है जो कि 2012 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहा था पुरुषों के फुटबॉल में। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, किस राज्य में तारापुर परियोजना स्थित है। तो दोस्तों तारापुर परियोजना है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी इंपॉर्टेंट परियोजना है उनको याद जरूर याद कर लीजिएगा, एंड कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कार दोस्तों आविष्कार को यहाँ पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आविष्कार से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों जो पुरस्कार हैं, जितने भी पुरस्कार हैं उनको यहाँ पर जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपकी एग्जाम अभी तक नहीं हुई है तो, क्योंकि इन तीन से आपको मतलब करीब 2 से 3 या फिर 4 क्वेश्चन देखने को आपको प्रत्येक एग्जाम में मिल जाएंगे इन तीनों टॉपिक पे से। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया गया था, तो अक्टूबर 1999 में इस योजना को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, जिन्ना है इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस बुक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक जो हैं, इसके रचयिता जो हैं वो हैं जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह जी ने ये किताब लिखी थी 2013 में। कॉन्फेडरेशन कप किसने जीता था, तो दोस्तों ये जीता था ब्राज़ील ने ये कप जीता था 2013 में। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी नृत्य आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के रचयिता कौन है, यह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड को जनक कहा जाता है। किसको 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो दोस्तों ये गुलजार हैं उनको यहाँ पर है, जो कि 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है, कौन सा यंत्र रंग की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये कोलारीमीटर है जिसको यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है रंग की तीव्रता मापने के लिए। शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 2018-19 में भी ये 5 सितंबर को अभी आने वाला है तो उसमें मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा कहाँ से ली गई। तो दोस्तों भारत में जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा ली गई थी वो ली गई थी रूस से। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, फुल फॉर्म है FATCA की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लेशन एक्ट, ये दोस्तों हमारी FATCA की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, वांडुंग सम्मेलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर क्या था। तो दोस्तों ये था गुट निरपेक्ष आंदोलन था जो कि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा खोला गया था, तो दोस्तों ये खोला गया था कनिष्क के द्वारा।
अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, नदियों दजला और फरात किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हैं दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ में, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की? तो ये की थी दोस्तों कार्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑन्टोइन जेयर को यहाँ पर जो है कहा जाता है। एक सप्ताह के 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होता है? दोस्तों मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ के क्वेश्चन अब यहाँ पर आए हैं। तो 1 घंटे, 1 सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव मान कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम निकाल लेंगे, 1 सप्ताह में हो जाएंगे दोस्तों 7 दिन और घंटे हो जाएंगे 24, तो 24 × 7 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा शायद 160, हाँ 168 168 हो जाएगा। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो ये आएगा 0.0059। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 28 वर्ष है, यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी? तो दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, टोटली सॉल्व करेंगे, तो मैं तो यहाँ पर सॉल्व करके इसका आंसर लिख दिया हूँ कि 30 वर्ष जो है इसकी आयु होगी। तो आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि 30 वर्ष ही इसकी आयु होगी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किसी राशि की 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में संचित राशि 2420 रुपये, तो मूलधन कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 2000 रुपये, जो कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो है कहीं नहीं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो डेविड सिमिलिया को यहाँ जो है यहाँ पर नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। अगला हमारा रीजनिंग से आ जाता है दोस्तों, 72 45 81, तो ये 28 दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी। तो इसमें से भिन्न यहाँ पर हमको निकालना था, इस जगह पर आई थिंक कोई दूसरी संख्या होगी, नहीं ये 28 ही थी, 28 ही थी, दो सॉरी फ्रेंड्स 28 ही थी। तो इसमें जो भिन्न संख्या होगी वो होगी हमारी 28 संख्या, 28 जो है हमारी भिन्न होगी, यही आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक होता है ब्रायोफाइट। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है दोस्तों, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन सेकंड ने, जो कि आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन आ जाता है हमारा, रीजनिंग से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों हमारा, क्या हो रहा है ये, तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, UUWX जिस तरीके से WWYZ, तो इसी तरीके से OOQR का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा QQST, इसका दोस्तों यही जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों करने के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हमारा अच्छा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 8 मार्च को, 8 मार्च को है जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 500 व 1000 रुपये के पुराने नोट का चलन से को चलन से बाहर करने से संबंधित किस अध्यादेश को केंद्र सरकार ने लागू किया है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, निर्दिष्ट बैंक नोट अध्यादेश 2016 को यहाँ पर जो है लागू किया गया है, देनदारियों की समाप्ति। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2014 में भारत का मानव विकास सूचकांक बताया गया है? तो दोस्तों ये बताया गया है 0.604, 0.604 ये हमारा है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश? तो वेंटिंगन सिटी जो है विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है रीजनिंग से, तो दोस्तों ये है 32 14 19 29 49 और निवासी, सॉरी फ्रेंड्स ये 32 नहीं है, ये गलत दिया हुआ है, सॉरी मैं
हाँ, तो इसका जो हमारा अगला पद होगा दोस्तों, इस जगह पर जो हमारा अगला पद होगा वो हो जाएगा 169। आप सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड साथ ही में दोस्तों जो ये 32 है इसको यहाँ पर कैंसिल कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ जाता है, 1977 में निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों ये थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि निर्विरोध चुने गए थे 1977 में। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय साल्ट पीटर है, तो दोस्तों भारतीय साल्ट पीटर है वो है KNO3। KNO3 दोस्तों, KNO3 आप सभी को पता होगा इस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पर, ये KNO3। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों तिरुपति में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जुलाई 1964 में है जो कि इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है फ्रेंड्स, प्रमुख खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो दोस्तों चंदेल के राजाओं ने है जो कि इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में देश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाले लोग रहते हैं। हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आता है फिर से, AB LN ZY XY और ZA का, तो फिर इससे जो हमारा संबंध होगा वो होगा इसी तरीके से LN का। तो अब आगे देख लेते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन रीजनिंग से, वास्तुकार जिस तरीके से भवन बनाते हैं तो मूर्तिकार क्या बनाता है? तो मूर्तिकार बनाता है प्रतिमा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ जाता है रीजनिंग का ही है, 31, 37, 23 और 21 में से भिन्न चूज करना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों एकल नागरिकता है जो कि ये विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2015 में कुल कितने देशों को शामिल किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 188 देशों को यहाँ पर है जो कि शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों फिर से वही रीजनिंग का क्वेश्चन है, 125, 789, 236 और 4347। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 125। आप दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन है आप खुद घर बैठ के कर सकते हो, अगर मैं करूँगा तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो बताइए कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों मेरे निकालने पर तो शुक्रवार है, आई थिंक मेरा जो है सही होना चाहिए, लेकिन एक बार आप भी कंफर्म कर लीजिएगा और बताइएगा कि सही है या नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, 32, 10, 54, 32, 67, 53 में से अगला पद है जो हमारा क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा 8975। आप कर लीजिएगा घर पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों खैबर दर्रा है पाकिस्तान में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, थोड़ा एंटोनिम है दोस्तों, हॉरिड का एंटोनिम हमको यहाँ पर पूछा गया है, जिसका अर्थ होता है भयंकर या फिर डरावना। तो इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है एग्रीएबल, मतलब कि स्वीकार्य। अगला हमारा एंटोनिम आ जाता है दोस्तों मॉडरेशन का, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो है हल्का करना। तो दोस्तों इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा इंक्रीज करना, सॉरी इंक्रीज। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों सिनोनिम का, तो फोले का इसका हिंदी अर्थ होता है मूर्खता, ज्ञानता या नादानी। तो इसका जो हमारा सिनोनिम होगा वो होगा फॉलिशनेस। अगला जो हमारा सिनोनिम होगा दोस्तों वो है डिस्ट्रेस का। तो दोस्तों इसमें जो हिंदी अर्थ होता है दुख, कष्ट, संकट या फिर आपदा। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है सरव। अगला दोस्तों, अगला हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है, कोई धन ए तथा बी में 4:3 के अनुपात में वितरित किया गया है, यदि बी का भाग 2400 है तो कुल धन कितना होगा? तो दोस्तों टोटल जो इनको अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे 7, 7 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो बी का दिया हुआ है, यहाँ पर बी का दिया हुआ है, तो दोस्तों बी का ही हम अनुपात देखेंगे तो 3 है, तो 2400/3 कर लीजिए सबसे पहले। तो 2400/3 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 800। 800 हमारा आंसर इसका ये आ जाएगा। और अब हमारा टोटल दिया हुआ है 7, तो 7 × 800 करेंगे दोस्तों 800, तो यह हमारा टोटल जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, टोटल धन हमारा हो जाएगा 5600 रुपये। तो 5600 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 13% 39 है तो वह संख्या क्या है? तो दोस्तों आप यहाँ पर सीधा कर सकते हैं, 39/13 × 100 ये आप सीधा कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। तो इनको अगर सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 300। 300 का 13% 39 होता है।
अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा यहाँ पर, इंडियन फुटबॉल टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों हाल ही में, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों एगोर एस्टेमेको, एगोर एस्टेमेको है जो कि अभी इंडियन फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था श्री योही ससाकावा को, जो ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था अभिनंदन वर्धमान को। अगला क्वेश्चन हमारा आता है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति बनाया गया था श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हंटर कमीशन किससे संबंधित है? तो हंटर कमीशन है जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये थे गणेश सावरकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, इत्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो इत्तादारी प्रथा को प्रारंभ किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। वहीं दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1988 में, वर्ष 1988 में इसको शुरू किया गया था। कपाट का संबंध किससे है? तो दोस्तों कपाट का संबंध अगर यहाँ पर देखें तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से जो है इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा जेबी कृपलानी ने, जेबी कृपलानी ने है जो कि ये पुस्तक लिखी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, DHL PTX BJF, तो इसका जो नेक्स्ट पद होगा वो क्या होगा? तो इसका अगर हम नेक्स्ट पद निकालेंगे तो NRV यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 11, 14, 20, 29 का नेक्स्ट पद क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे +3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे 6 ऐड हो रहा है, यहाँ देखेंगे 9 ऐड हो रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर होगा जो 12 ऐड होगा। तो 29 + 12 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 41। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है AZBYDWEVHSIR, तो अगला नेक्स्ट पद हमारा होगा KPLO, आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, अकबर की ताजपोशी कहाँ की गई? तो अकबर की ताजपोशी की गई थी अमरकोट में, अमरकोट में जो कि अकबर की ताजपोशी की गई थी। अगला क्वेश्चन मैंने बताया था दोस्तों आपको, आविष्कार से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जे एल बेयर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 2-3 अभयारण्य, एक शायद आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 2-3 बार पूछ लिया गया है, तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। तो दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य को। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है फ्रेंड्स, वही एंटोनम सिनोनम हमसे पूछा जाता है, माइनेट्री का सिनोनम हमसे पूछा गया है धमकी या फिर धमकाने वाला, इसका जो है हिंदी अर्थ होता है। तो इसका जो हमारा सिनोनम होगा वो हो जाएगा ट्रेटनिंग। अगला दोस्तों हमारा जो है एंटोनम पूछा गया है नेटिव का, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है मूल निवासी या फिर देसी, तो इसका जो हमारा एंटोनम होगा वो हो जाएगा फाउंडर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही हमारे जो भी जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि 5 अगस्त के दिन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के बारे में हमने बात किया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और साथ ही में दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और शेयर तो ज़रूर करें दोस्तों के साथ में। और उसी के साथ में दोस्तों हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आने वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबा लें ताकि जब भी हम कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन है जो कि आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।